नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। जयंत दड़वी लोक सेवा प्रतिष्ठान एवं ओम श्री आनंद डेवलपर्स द्वारा आयोजित एक दिवसीय निःशुल्क व्यवसाय मार्गदर्शन शाला का आज 15 सितंबर 2024 को हुआ सफलतापूर्वक समापन। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने निःशुल्क व्यवसाय मार्गदर्शन कार्यशाला पर आयोजक जयंत दड़वी एवं विभागीय अधिकारी महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र के हेमंत वाघमारे से विस्तार से बात की। आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज में स्वागत है सर, आपके नेतृत्व में आज जो बेरोजगार युवाओं के लिए मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को उद्योग व्यवसाय करना है लेकिन उनको पता नहीं है कैसा करना है, कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है, लोन की क्या सुविधा है, गवर्नमेंट क्या स्कीम है, और मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, कच्चा माल का वो कौन सा उद्योग का चयन करना है, इस बातों की उनका ज्ञान नहीं रहता। इसलिए हमने मार्गदर्शन शिविर किया है कि यहाँ पे उनको कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, वो डिटेल्स के लिए कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सी संस्था है, वहाँ पे जाना चाहिए और उद्योग करना चाहिए, इसके लिए हमने ये शॉर्ट एकदम 4 घंटे के लिए उन्हें आज मार्गदर्शन शिविर लिया है। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जो युवा है का, उनके क्वेश्चन आंसर भी कुछ आप जवाब दे रहे हैं? क्वेश्चन हमारे अधिकारी लोग हैं, हेमंत जी वाघमारे सर है, वो उनको उनने सबको समझाया, बैंक ऑफ इंडिया के, बैंक ऑफ यूको बैंक के और निर्मल बैंक के सब आए हैं यहाँ पे लोग, बाल्टी के आए हैं और क्लस्टर डेवलपमेंट वाले भी लोग आए हैं, वो सब अब अपनी जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो उद्योजक है जिनको सही में उद्योग करना है वो कहीं से भी जाके, अभी प्राइमरी ये नॉलेज है कि कहाँ पे जाना है और इसका कहाँ पे क्या उद्योग, क्योंकि 1-3 घंटे में लोगों ने उद्योग किया तो हमको समाधान होता है कि कुछ हमने किया है लाइफ में। अब सब लोग तो नहीं, क्योंकि इसके लिए उद्योग करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। जो लोग बैठ नहीं सकते 2 घंटे उद्योग नहीं कर सकते, जो टाइम पे आने सकते, पहले तो माध्यम है उद्योग करने का अपने को लगता है पैसा चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए उद्योग के लिए, अपनी मेंटली अपन स्ट्रांग होना, अपन कितना देर बैठ सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना पेशेंस, कितना तकलीफ सहन सकते हैं, वही उद्योग कर सकता है। अभी यहाँ देखो ना, 100 लोग आए थे, 20-25 लोग चले गए, ये उद्योग जिंदे में कर नहीं सकते, वो नौकरी करेंगे, चपरासी कर सकते, नौकरी भी अच्छी नौकरी नहीं कर सकते, वो हमें नौकरी भी रखते हैं हम एम्प्लॉय, तो वो चिवट जो है उनको ही रखते हैं, उनको ही प्रमोशन होते, नहीं तो वो क्लर्क रखते हैं, क्लर्क रहता है, मैनेजर नहीं बनता है, जो चिवट रहेगा, जो उस पर पढ़ेगा सीखेगा कुछ करने का सीखेगा, वही आगे बढ़ता है, चाहे नौकरी में चल रहे चाहे उद्योग में रहे। तो मैं सबको, युवाओं को मेरी विनती है कि कुछ भी सीखने को मिले, हम तो आज 50 साल की उम्र आज भी सीखते रहते, आज भी ट्रेनिंग को जाते रहे, पैसे खर के जाते हैं, यहाँ से नैनीताल लेके दिल्ली लेके जाके लाख लाख रुपए करके हम ट्रेनिंग करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, लेकिन अभी हमने फ्री में ये दिया है तो उसका उपयोग लेना चाहिए। और मीडिया ने भी अच्छा कवरेज दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बहुत हाल कम कर गया था, जब भी बहुत लोगों ने अच्छे जो वक्ते थे उनका हो गया, जो मेन पॉइंट हो गए थे, अब इनका सर्टिफिकेट वितरण है और बैंकों का कैसा प्रकरण था, लोन प्रकरण और किनको लोन देते, ऐसे ही सेम क्या करते हैं लोग, बैंक में जाते हैं बस मुझे लोन दो, नहीं बोला तो भाग जाते, पर नहीं बोला तो नहीं बोलेगा, अपने पिताजी भी अपने को पैसे 5,000 नहीं देंगे तो बैंक वाला 10 लाख देंगे क्या? अपने दोस्त बुक मांगो तुम 5,000 दो, 2,000 देता है क्या? 50 सवाल पूछता है पिताजी, 50 सवाल का आइकली चाहिए तो बैंक वाला नहीं पूछेगा, इन्वेस्टर नहीं पूछेगा, पूछेगा ना, अपन कितना उनको समझा सकते हैं, कितना उनके पीछे लग सकते हैं, तो वो है। मैंने सब उद्योग चालू किया तो मैंने 500 रुपये चालू किया, यहीं पे बैठे हैं, जब भी मैंने बताया कि रमेश जी भोयर जी माजी सभापति, उन्होंने मेरे को उसमें 1 रुपया में ज़मीन दिया था 28 लाख की, यहाँ से 20 साल पहले, आज वो 7 एकड़ ज़मीन 3 करोड़ रुपये का, यानी 21 करोड़ की ज़मीन होंगी आज, जब तो वो मेरे को उन्हें 28 लाख की 1 रुपया दिया था मैंने, उन्हें बोला देव मेरे को 1.5 साल, यही बैठे रमेश जी भोयर बैठे हुए, तो चिवट है, मैं उनके पीछे लगा रहा, काका जी बोला जमीन मुझे ज़मीन दो, मैं वो लेआउट डालता हूँ बेचता हूँ, पहले भागा दूसरे बार भगाया, तीसरे वाले कुछ तो दिया, बोले 1 रुपया तो दे पक्का करने के लिए, 1 रुपया लिया, फिर 1.5 साल में मेरे को 27 लाख 28 लाख देना था प्लाट बेच के, तो ऐसा है, वो लगे रहेंगे तो सब मिलता, फाइनेंस मिलता, पैसा मिलता, नॉलेज मिलता है, लेकिन फुकट में बोलेंगे करना है करना है तो कुछ होता नहीं, उद्योग ही है, नौकरी नहीं है, नौकरी आज छोड़े कल पकड़े, उद्योग में बहुत डट के रहना पड़ता है, बस ये मैं सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ। सर, जैसे किसी को प्रशिक्षण लेना है तो वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं?
तो प्रशिक्षण लेना है, यानी प्रशिक्षण तो MCD करके गवर्नमेंट के महामंडल, महाराष्ट्र उद्योगिकता विकास महामंडल, वो हिंगना में उनका बहुत बड़ा रेसिडेंशियल है। रहने के 8 दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर 15 दिन की होती है। उसके हेमंत वाघमारे विभागीय अधिकारी आए हैं, बाल्टी की भी ट्रेनिंग होती है, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है। हम तो शॉर्ट में सिर्फ ट्रेनिंग कहाँ होती है इतना ही बता पाते हैं 3 घंटे में, क्योंकि महीना भर का 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है। हम तो अभी इतने साल में पढ़ ही रहे, हर बार ट्रेनिंग कर ही रहे, हर अलग अलग उद्योग की। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपका परिचय दीजिए, हमें बताइए जो आज जयंत दड़वी जी के नेतृत्व में जो आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है बेरोजगार युवाओं के लिए, आपने किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया? मेरा परिचय है मेरा नाम है हेमंत वाघमारे और मैं विभागीय अधिकारी तथा केंद्र प्रमुख महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र में कार्यरत हूँ। मैं 29 सालों से ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार के अंदर काम कर रहा हूँ। हमारे ऑफिस जो है हिंगना MIDC और उद्योग भवन में है। मिस्टर जयंत दौड़ी जी ये मेरे एक अच्छे प्रशिक्षणार्थी है, वो 96 के प्रशिक्षणार्थी है, जब से मैं उनको पहचानता हूँ। और आज उन्होंने हुड़केश्वर में जितना भी अपना खुद का व्यवसाय को बढ़ाया है, उनको ये लगता है कि वे मेरे सरीके बाकी सब लोग भी एक व्यवसाय में अच्छे हो, इसके लिए जयंत दड़वी जी ने जयंत दड़वी लोक सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से आज ये बेरोजगार युवक युवती और महिलाओं को बहुत ही अच्छा एक मार्गदर्शन मेड़ावा जो आयोजन किया गया है। इसमें अलग अलग तरह के फैकल्टी को, बैंक को, मोटिवेटर को, गवर्नमेंट की योजनाओं को और इसके साथ में अलग अलग वक्ताओं को यहाँ पर बुलाया है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की सारी योजनाएं अपने पार्टिसिपेट कर जाए और अपना खुद का स्वयं रोजगार शुरू करे, इसके लिए इस कैंप का उनको मदद होने वाली है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।